एक ऐसा लोकोत्सव जो समुद्र तल से लगभग 11,000 मीटर की ऊंचाई पर 28 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैले हिमालयन अल्पाइन मेडोज यानी कि दयारा बुग्याल में मनाया जाता है, जिसमें दूध मक्खन और मट्ठे की होली खेली जाती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पूरन। स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन और प्रकृति की अनोखी दुनिया के सैर के एक और नए एपिसोड में। अंडूड़ी उत्सव जो एक स्थानीय लोकोत्सव हुआ करता था, आज उसे बटर फेस्टिवल का नाम देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कवायद की जा रही है। क्या है ये अंडूड़ी उत्सव और कैसे इसे स्थानीय लोकोत्सव से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिल रही है, ये पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। ये पहले हम लोग छानियों में मनाते थे अंडूड़ी उत्सव, और हम इसको ना अपने लोकल अपना गेट बनाते थे छानियों में, उस पर पूरी लगाते थे। फिर उसको हमने हमारे स्वर्गीय श्री चंदन सिंह राणा जी, उन्होंने कहा इसको हम थोड़ा परिवर्तन करते हैं, तो इसका नाम हमने फिर उस 2002 में हमने इसका बटर फेस्टिवल नाम रखा। फिर उस दिन हमने राधा कृष्ण और दूध मट्ठा मक्खन की होली, और इसको हमने बटर फेस्टिवल के रूप में शुरुआत 2002 में की। पहले इसको हम जैसे गोबर की होली गोबर की खेलते थे, तो हम लोग बाहर के लोग जो आते थे तो उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। फिर हमने इसको नया रूप दिया, आज दूध और मट्ठा और मक्खन की होली होती है। इसमें राधा कृष्ण बनाए जाते हैं और ये संक्रांति के बाद की संक्रांति को होता है। ये त्यौहार, ये उत्सव, ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, ये हमारी पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति को पहुंचाते हैं। ये बटर फेस्टिवल उसका जीता जागता उदाहरण है। अंडूड़ी पर्व जिसे अब मॉडर्नाइज करके बटर फेस्टिवल कर दिया गया है, जिसका नाम जहाँ इसको स्थानीय लोग पहले छानियों में मनाते थे, अब इस फेस्टिवल को इस दयारा बुग्याल में मनाया जाता है, और इसके पीछे पर्यटन को बढ़ावा देने का एक मुख्य कारण भी है। एज पर समर डेस्टिनेशन मैं तो इसे थोड़ा सा माइनस मार्किंग करूंगा, क्योंकि उतना सुंदर जितना विंटर डेस्टिनेशन में लगता है वो जो आपको शॉट्स मिलते हैं और जो आपको प्राकृतिक दृश्यता मिलती है वो आपको विंटर जो है आपका स्लॉट होता है उसमें बहुत बेहतरीन मिलता है। अभी आपने नोटिस की होगी, हमें सबसे बड़ी कमी यहाँ पे ये लगी, हमारे सामने वेदर नहीं खुला है। वेदर खुलना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वेदर खुला होता तो यहाँ के शॉट जो आपका बटर फेस्टिवल का जो यहाँ पे शो चल रहा है वो उस शॉट में बहुत बेहतरीन दिखता। और थोड़ा बहुत हम ये भी लगा सकते हैं कि रेनी सीजन की वजह से काफ़ी कीचड़ हो रखा है यहाँ पे, और कीचड़ की वजह से काफ़ी स्लिपरी है, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है, इसका भी थोड़ा इलाज करना पड़ेगा। और बाकी तो यहाँ पे जो समिति की हमारे लिए व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी बेहतर है, हमें मतलब इतना हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। और मैं यही कहूँगा कि आगे जाके बटर फेस्टिवल और बेहतर बनेगा, और बेहतर के साथ और पॉपुलर होगा तो हम और बेहतरीन यहाँ पे काम कर सकते हैं इस चीज़ में। ये जो लोकल नाम था हमारा पहले अंडूड़ी, इसको यहाँ जो हमारी छानियाँ थी, यहाँ जो लोग निवास करते थे हमारे गांव के लोग अपनी मवेशियों के साथ, तो यहाँ पर एक जो यहाँ की जो प्रकृति है उसकी पूजा के लिए अपनी छानियों में जो है वो पूरी लगा करके
और उसमें जो खेला जाता था, एक व्यक्ति उसको जो उस पूरी को छिनाता था, उसके पीछे जो गांव वहाँ के जो छानी के लोग होते थे उस पर वो गोबर और कीचड़ फेंकते थे उसको। तो अब जब बरसों से चली आई, बाद में फिर क्या हुआ कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ होटल एसोसिएशन और ने ग्राम पंचायत के साथ एक बैठक की और ये कहा कि इस मेले को हम एक पर्यटन के दृष्टि से इसको थोड़ा एक बटर फेस्टिवल यानी दूध और मट्ठा की होली मनाएं, बल्कि कीचड़ को छोड़ करके एक दूध और मक्खन की होली को हम मनाएं, ताकि यहाँ जो टूरिस्ट आए, और यहाँ के टूरिस्ट आने से क्या होगा कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और उस दिशा में 2002 में समिति गठित हुई और 2002 से लगातार ये जो बटर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है दायरापट्टन समिति की ओर से, ये बराबर यहाँ पर होता आ रहा है। तो प्रतिवर्ष संक्रांति को ये मेला मनाया जाता है और इसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं और टूरिस्ट आने से यहाँ की जो बेरोजगारी है वो आज हमारी क्या हो दूर हो रही है। होली जैसे ही हमारे जहन में आती है वैसे ही तरह तरह के रंग हमारे मन में आने लगते हैं, लेकिन दयारा बुग्याल की ये होली केवल रंगों से नहीं बल्कि प्रकृति के रंगों के बीच मक्खन से खेली जाती है। तो भी राधा और कृष्ण का करैक्टर बनाया जाता है। ये जो पीछे मेरे गेट आप देख रहे हैं, इस गेट में एक मटकी रखी जाती है जो बटर से भरी होती है और उसको राधा और कृष्ण के जो करैक्टर होते हैं उन्हीं के द्वारा तोड़ा जाता है। उसके बाद जो बटर फेस्टिवल होता है यानी कि जो बड़ी बड़ी पिचकारियाँ आप यहाँ पर देख रहे होंगे उनमें मट्ठा भरा जाता है और एक दूसरे के ऊपर छिड़का जाता है और बटर को एक चेहरे पर लगाया जाता है। डांडू क्या फूल फूला ला, 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 डांडू फू लल जयान, डांडू फू लल जयान। शुक्र गुजार करते हैं कि जो आप हमारे यहाँ पर पशु रहे, धन्य धन्य रहे हैं, जो आपने हमें दुग्ध ये मक्खन मट्ठा और जो अद्भुत यहाँ पे हमें इतने पर्याप्त मात्रा में हमें मिला है, हम प्रकृति का शुक्रगुजार राधा कृष्ण के रूप में जो यहाँ पे रोल कर रहे हैं, इनका इनके रूप में भगवान के आस्था मानते हुए हम लोग भगवान का शुक्रगुजार कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर पशु रहे, जो हमारे यहाँ पर आदमी रहे वो यहाँ पर कुशल रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर और भी दुग्ध उत्पादन हो उसके वृद्धि के लिए। और दयारा बुग्याल जो अपने आप में हम अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल के नाम से हम यहाँ पर जो बटर फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, हमारी भूमि की नेक्स्ट ईयर हम इसको 2 महीने पहले से हम इसकी तैयारी करेंगे और हम चाहते हैं फेस्टिवल उत्तराखंड नहीं भारत देश का और पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में इसका विख्यात हो और बटर फेस्टिवल एक उत्तराखंड की एक पहचान बने, उत्तरकाशी की एक पहचान बने और रेथल की पहचान बने। Me
ये एक्टिविटी देख के और कल्चर देख के बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ पे ट्रेडिशन अभी भी है, मतलब लाइक बहुत कम जगह है जहाँ पे ट्रेडिशंस एंड ऑल अभी भी चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और ये मेरा लाइफ का फर्स्ट ट्रैक है और मैं इसको कभी नहीं भूलने वाली हूँ। मैं सभी को लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह मनोज राणा जी अपने कल्चर को एक आगे बढ़ावा कर रहे हैं, बचा रहे हैं, आप लोग भी आगे आए। समझ जितनी दयारा पर्यटक हमारे पूरे क्षेत्र, पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाए ताकि ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़े, ज़्यादा ट्रैकिंग का हो, ज़्यादा यहाँ पर लोग आए। हमने सिर्फ एक कलाकार के माध्यम से आप लोगों को एक दृश्य है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को सुंदरता आप लोगों ने बनानी है। धन्यवाद। हमें यहाँ आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ समिति के द्वारा बहुत अच्छे, इतनी ऊंचाई पर इतने अच्छे आयोजन कराए गए, बहुत स्वादिष्ट खाना मिला और रहने के लिए बहुत सारे भाइयों का साथ मिला, मेल जुल करके लोग आज यहाँ जश्न मना रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तयारा बुग्याल अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और ऐसे में इस तरह के फेस्टिवल और इस तरह के आयोजन इसकी ख्याति को और भी बढ़ाएंगे। अपने लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक परंपरा की रंगों को समेटे हुए ये बटर फेस्टिवल की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वक्त आ गया आपसे विदा लेने का, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी को लेकर। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।